दूसरा सवाल देखो, अब मैं कुछ मांस वगैरह निकाल दिया जाता है उस टाइप के, मैं प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ कि अगर कुछ मांस है उसे कुछ मांस निकाल दिया जाएगा और इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। चलो हमें याद रखना है कि ये अगर डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, समझना, डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, जिसके पास मास कैप एम है, ठीक है। अगर मैं इस यहाँ से मैं कुछ एक छोटा सा डिस्क निकाल देता हूँ, यहाँ से एक छोटा डिस्क कट के निकाल दिए जिसका सेंटर यहाँ पर है और जिसकी जो रेडियस है ये पूरी रेडियस आर है, तो आर डायमीटर का मतलब इसकी जो रेडियस है वो आर बाई टू आ जाएगी। तो आर बाई टू रेडियस का एक डिस्क मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमूव निकाल दिया इसको, रिमूव जो बच गया, ठीक है, जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास आफ्टर रिमूव्ड, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग बच गया है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना। जब ये निकाला नहीं गया था तो हमको पता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट मास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं यहाँ से निकाल दूंगा ये वाला मास, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो। कभी कभी दो दो डिस्क होगा, दो डिस्क निकाल दोगे तो एक एक यहाँ से निकाल दिए, एक यहाँ से निकाल दिए, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास टू डायमेंशनली शिफ्ट हो सकता है। तो आप दो बार फार्मूला लगाओगे तो अगर दो डायमेंशनली शिफ्ट होगा, एक्स में भी शिफ्ट होगा और वाई में भी शिफ्ट होगा, तो दो बार लगाओगे भाई, एक ही बार लगाएंगे एक्स सी एम वाला फार्मूला लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे आप देखो, जब कभी भी, एक बात मेरा याद रखो, जब कभी भी सेंटर ऑफ मास इस टाइप के प्रॉब्लम करोगे तो जो रिमूव किया जाएगा उसको माइनस करोगे और जो ऐड किया जाएगा उसको प्लस करोगे, और फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला और ओरिजिनल ही रहेगा। अब मैं इसमें दो मास है, कौन कौन, एक तो ओरिजिनल डिस्क है M1 को मैं M1 एक्चुअल डिस्क M मानता हूँ, और जो रिमूव कर दिया गया, ये जो निकाल दिया गया छोटा डिस्क, उसका जो मास है मैं M2 बोलता हूँ। तो दो, एक है M1 जो एक्चुअल डिस्क है, जो इनिशियल डिस्क था, और जो निकाल दिया गया वो M2। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, एक्स सी एम क्या बनेगा इन दोनों के लिए, बोलो एक्चुअल फार्मूला क्या है, M1 X1 प्लस M2 X2 और माइनस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, लेकिन यहाँ प्लस नहीं आएगा, जिसको निकाल दिए गए उसको मैं माइनस करूंगा। डिस्क के लिए लगाओ M1 X1 माइनस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। माइनस क्यों किया, ठीक है, क्योंकि आप इसको निकाल दिए हो, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे प्लस हो जाता। अगर मैं एक, ये पहले से डिस्क था, एक डिस्क और लेके आया, ठीक है, तो दो, तो वो एम ए प्लस टू करता है, ठीक है, आया समझ में। जितने भी ऐड होंगे उसी इसी लाइन में आपको प्लस करना या माइनस, चलो ये मैथमेटिक्स एक्चुअल में बता देगा कि सेंटर ऑफ मास जो है रिमेनिंग पोर्शन का किधर है और किस डायरेक्शन में गया है। चलो तो सबसे पहले मैं M2 निकालूंगा, क्योंकि M1 जो है पूरा जो डिस्क था उसका मास M था, हमें पहले से पता है यार M2 कितना है, वो मास पर यूनिट एरिया और मल्टीप्लाइड बाई छोटा एरिया, ऐसे ही तो निकालते हैं मास पर, इसको एरिया के टर्म में भी लगा सकते, मास पर यूनिट एरिया, डिस्क की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर, और ये छोटा एरिया, ये छोटू, इस छोटू को मैंने निकाल दिया यहाँ से, तो इसका एरिया बनेगा पाई और इसकी रेडियस आर स्क्वायर बाई फोर। तो पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर मतलब एम बाई फोर, ठीक है, एम बाई फोर मतलब अगर 40 kg का डिस्क, 30 kg का डिस्क होगा तो 10 kg निकाल दिया गया। अब हमें अब इस फार्मूले को यूज करना, ध्यान देना, देखना मैं कैसे लगा रहा हूं इस फार्मूले को, वैसे तुम लगाना। एक्स सी एम मुझे चाहिए, एक्स सी एम रिमेनिंग पोर्शन का, तो पहला वाला एम वन क्या है, एक्चुअल डिस्क है उसका मास एम है। एक्स एक्स वन क्या है, एम वन का सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एम एक्स एक्स वन क्या है, जो एम वन मास है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, और जब पूरा डिस्क था तो उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आएगा जीरो, माइनस साइन निकालने की वजह से दूसरा मास एम टू एम बाई फोर आ गया, ठीक है, एम बाई फोर आ गया, और दूसरे का सेंटर ऑफ मास, ए भी डिस्क है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लोग को पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे आ जाएगा आर बाई टू पे, छोटू वाली जो डिस्क है, छोटू रोजीज का, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आएगा, तो ओरिजिन से आर बाई टू पे। लेकिन अगर मैं साइन के साथ देखना चाह रहा हूं तो मैं माइनस साइन रखूंगा, माइनस आर बाई टू, तो यह आ जाएगा माइनस आर बाई
माइनस आर बाई टू बाई मास, ठीक है, ये मास m1 m और माइनस माइनस m बाई माइनस m बाई फोर, ठीक है, तो माइनस m बाई फोर। तो कुल मिला के अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और ऊपर में आ जाएगा एम आर बाई एट और नीचे में आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दूं फोर ऊपर चला गया और ये आ जाएगा 3m, ठीक है, तो m ने m को खत्म कर दिया और ये 2 टाइम्स कट गया, मतलब प्लस r बाई सिक्स, है ना, देखो कितनी अच्छी बात है। तो ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव x एक्सिस में गया होगा, ये सेंटर ऑफ मास है और वो r बाई सिक्स पे लाई कर रहा है, यहाँ पे r बाई सिक्स पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपका आ गया।